बजट सत्र के दौरान 30 मई को जम्मू कश्मीर का 2016-17 का बजट विधानसभा में पेश किया जाना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर जवाहरलाल नेहरू की तारीफ को लेकर एक कलेक्टर के तबादले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़वानी के कलेक्टर अजय गंगवार के समर्थन में प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा तबादला नियमों का उल्लंघन करने पर किया गया। बड़वानी कलेक्टर को जो हटाया गया है वो बिल्कुल सही कदम है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने सवाल किए, मुद्दा यह है कि उन्होंने सर्विस रूल का और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है और उसको ट्रांसफर किया गया है इस सजा के तौर पे। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं हो सकता। ये ठीक किया है, यानी ये जो अफसर हैं ये सरकार की विचारधारा और सरकार के रुख को देखकर इन्हें कोई मतलब नहीं सरकार की विचारधारा से। बड़वानी के कलेक्टर अजय गंगवार ने लिखा था, जरा गलतियां बताइए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी। अजय गंगवार ने लिखा, अगर उन्होंने 1947 में आपको हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका तो ये उनकी गलती थी। गंगवार ने ये भी लिखा कि नेहरू ने देश में गौशाला और मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी खोली, ये भी उनकी बड़ी गलती थी। गंगवार के मुताबिक नेहरू ने लोगों को अंधविश्वासी की जगह वैज्ञानिक रास्ता दिखाया, ये भी गलती थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी कलेक्टर सीबी चक्रवर्ती का जयललिता को जीत की बधाई देने पर तबादला कर दिया गया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए धमाके की जांच में मदद के लिए एनआईए की टीम कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। हरियाणा की आईबी यूनिट ने धमाके की जगह का जायजा लिया, बस के अंदर से फॉरेंसिक सैंपल जुटाए। इस समय मैं पीपली पुलिस लाइन खड़ा हूं, जहां पर जो कल धमाका हुआ था उसी बस में आईबी की टीम पहुंची हुई है और तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ ही साथ तमाम जो सैंपल भी इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। और पुलिस ने धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई। पुलिस को मौके से 12 वोल्ट की एक जली हुई बैटरी के कुछ तार मिले हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी ने यहाँ पे प्लांट किया। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एडीजी शत्रुजीत सिंह को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। गुरुवार को सोनीपत डिपो की बस HR69B6340 चंडीगढ़ जा रही थी। बस में 25 यात्री सवार थे। कुरुक्षेत्र में पिपली गांव के पास जीटी रोड पर दोपहर 2:30 बजे के करीब बस में धमाका हुआ। विस्फोटक बस की 25 नंबर सीट के ऊपर बने रैक में रखे बैग में था। धमाके की वजह से बस की छत उड़ गई, खिड़की के कांच टूट गए। धमाके में घायल ड्राइवर कंडक्टर समेत 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में 5 महीने के अंदर यह तीसरा धमाका है। इससे पहले 16 जनवरी और 13 मई को पानीपत में धमाके हो चुके हैं। दिल्ली में 16 साल के बच्चे से दरिंदगी करने वाले 5 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में सोमवार को 5 लड़कों ने मिलकर 16 साल के इस बच्चे को बेरहमी से पीटा था। इतना ही नहीं, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल और मिर्ची तक डाल दी और फिर उसे इलाके में घुमाया। इसके बाद आरोपियों ने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मेरे को बहुत मारा, ऊपर से बोतल को ऐसे बिठा के नंगा करके हाथ पैर ऊपर से ऐसे मार रहे थे ना, बियर की बोतल नीचे गिरते मेरे को लटी लट मारने लग गए। को सजा चाहिए, उसी को पहले करना चाहिए सजा, उसने ही मेरे बच्चे को इतना बुरी हालत करा हुआ। 16 साल के लड़के की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो आरोपियों की स्कूटी पर बैठ गया था। लोगों ने जब पिटाई का विरोध किया तो आरोपियों ने लड़के पर चोरी का आरोप लगाया। जब नाबालिग ने पुलिस बुलाने की बात कही तो आरोपी उसे पास के एक ऑफिस में ले गए, कपड़े उतारकर पिटाई की। परिवार का कहना है कि शर्मिंदगी के चलते पीड़ित लड़का 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुका है। वारदात का मुख्य आरोपी राजू अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अयोध्या में ट्रेनिंग कैंप में हुए विवाद के बावजूद आज बजरंग दल ने दिल्ली से सटे नोएडा में बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। बजरंग दल ने नोएडा के सेक्टर 12 के एक स्कूल में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। कैंप में तलवार एयरगन के साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। कैंप में शामिल बच्चे भी हाथों में हथियार थामे नजर आए। बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने देश भर में इस तरह की ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया। जेडीयू और कांग्रेस ने हथियारों की ट्रेनिंग पर सवाल उठाए। नहीं, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, कोई
अयोध्या में अकेले चला, ऐसा नहीं है। देखिए बजरंग दल क्या चाहता है, ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो इस तरह का वातावरण पैदा करके, लोगों को बांटने की राजनीति करके आगे चलकर दंगों की शक्ल इख्तियार करना इसका यकीनी दिखाई देता है। खुलेआम हिंसा का प्रचार कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये लोग समझ गए हैं कि जहां दंगे फसाद होंगे वहीं हम जीत सकते हैं। 14 मई को बजरंग दल ने अयोध्या में आयोजित शौर्य प्रशिक्षण शिविर में हथियारों की ट्रेनिंग दी थी। अयोध्या में शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं ने एयरगन, तलवारबाजी और लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान आतंकी बताए गए युवकों को खास समुदाय की टोपी पहनाई गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए फैजाबाद के बजरंग दल संयोजक महेश मिश्रा को गिरफ्तार किया था। नोएडा में ट्रेनिंग कैंप के आयोजकों ने दावा किया कि बजरंग दल करीब 30 साल से इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन करता रहा है। लुधियाना में आज कांग्रेस ने पंजाब सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में सचिवालय कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के बाहर लगी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाटर कैनन पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जिसमें कई लोगों को चोट आई है। पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल देखते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। 4 मई को कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए भी कांग्रेस पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। खबर है कि पुलिस ने कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हिरासत में ले लिया है। कई घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल भी ले जाना पड़ा। परमाणु बम गिराए जाने के 71 साल बाद जापान के हिरोशिमा का दौरा करने वाले बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। ओबामा ने हिरोशिमा में न्यूक्लियर पीस मेमोरियल पहुंचकर परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। परमाणु हमले में बचे लोगों से मुलाकात भी की। ओबामा ने दुनिया भर के नेताओं से बिना परमाणु हथियारों वाली दुनिया बनाने की अपील की। That is one far more for our people than we could ever claim through war. ओबामा ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना का भी जिक्र किया, पर परमाणु हमले के लिए माफी नहीं मांगी। बराक ओबामा 20 से 28 मई तक एशिया के दौरे पर हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम की वजह से हिरोशिमा में करीब 140,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया। नागासाकी में हुए हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। ओबामा से पहले जिमी कार्टर ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद हिरोशिमा का दौरा किया था। और इसी के साथ फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल का इतना ही। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे होगी। आप देखते रहिए।